हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो बहुत लेट से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक लंबे समय से। मुझे लग रहा है अराउंड 1 मंथ हो गया होगा, कोई भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसका रीजन्स आई गेस मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा। आप लोगों को, मैं एक ऑफिशियल टूर पर बाहर था, जो सिमुलेटर ट्रेनिंग है वो रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग कराते रहते हैं NTPC में, तो उससे रिगार्डिंग मैं बाहर गया हुआ था आउट ऑफ टाउन। और रिकॉर्ड करने के लिए पूरा सेटअप कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। स्टिल मैंने ट्राई किया, जो भी कुछ अर्जेंट जिन लोगों के कॉल्स आ रहे थे या जिनके ऐसे डाउट्स थे जो इमीडिएट आंसर रिक्वायर था, उनको मैंने रिप्लाई भी किया। बाकी जब मैं रिटर्न आया हूँ तो मैंने देखा था जो ग्रुप है व्हाट्सअप, जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया था जिस पर आप लोग डाउट्स पूछते हैं, और ईमेल आईडी हो गई, या आप लोगों ने जो भी मुझे ओवर द कॉल डाउट्स पूछे थे वो बहुत एक्यूमुलेट हो गए थे, कमेंट सेक्शन में मेंशन किए थे। तो आज सब भी उस चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके बीच में एक और जो बड़ी चीज़ हुई है वो हमारा गेट 2024 का एग्जाम हो चुका है, उससे रिगार्डिंग भी लोगों के मेरे पास मैसेजेस और कॉल आए कि सर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, उस चीज़ को लेकर परेशान है वो। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ बार बार आती रहती है कि मार्क्स कितने आएंगे, रैंक कितनी होगी। डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के सॉल्यूशंस देखते रहते हैं कि अकॉर्डिंग दैट कोचिंग आई एम गेटिंग दैट मच मार्क, और उस पर्टिकुलर कोचिंग के अकॉर्डिंग हमारे कुछ डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं। रैंक प्रेडिक्टर होता है, आई गेस अभी रेस्पॉन्स नहीं आया, एक दो दिन में रेस्पॉन्स आ जाएगा, रैंक प्रेडिक्टर स्टार्ट हो जाएंगे। वो और स्ट्रेस बढ़ाते हैं कि एक मार्क्स ऊपर नीचे, रैंक कितना होगा, कहीं PSU कोई मिलेगा अच्छा कि नहीं, कोई MTech में अच्छी सीट मिलेगी कॉलेज में कि नहीं मिलेगी। थोड़ा सा ये जो टाइम होता है थोड़ा स्ट्रेस वाला होता है, स्पेशली जिन लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम दिया है कि उन्हें कोई PSU मिले, MTech करने के बाद भी लोग देते हैं। तो इन सब पे आज थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक सेकंड लिस्ट रिलेटेड है, जो लोगों के डाउट आ रहे हैं गेट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है 24 का, उनकी मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन है एडिशनल लिस्ट ऑफ NTPC की जो रिलीज करे, उन्हें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले वर्क करने के लिए, क्योंकि अभी तक NTPC ने लिस्ट रिलीज नहीं किया। तो उसको भी हम डिटेल में देख लेंगे क्या है, और एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं आज क्या क्या डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जिन लोगों का फर्स्ट लिस्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स थी या डिस्क्रिपरेंसी थी, इसकी वजह से उनके ऑफर लेटर रिलीज नहीं हुए थे, तो उनके ऑफर लेटर रिलीज हो गए और उनसे रिलेटेड जो इन लोगों के डाउट्स आए वो डिस्कस करेंगे। एंड द सेकेंड वार्निंग डाउट्स है दैट इज अबाउट द एडिशनल लिस्ट NTPC की, जो मैंने बताया था प्रॉबेबली मिड और एंड ऑफ फेब्रुअरी आ जाएगी, जो अभी तक नहीं आई है। लोगों ने जो HR डिपार्टमेंट ना उसमें बात की NTPC के, जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी है, तो उनका मानना है कि लिस्ट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, आएगी नहीं आएगी, मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी, कुछ इस तरह की बातें बोली, तो वो भी हम लोग देखेंगे डिटेल में क्या है ये चीज। इसके बाद डिस्कस करेंगे जो ज्वाइन करने वाले हैं, मैंने बताया था जिनके डॉक्यूमेंट्स पर प्रॉब्लम है, तो उनसे रिगार्डिंग जो NOC की प्रॉब्लम आ रही है, अपने जो करंट ऑर्गेनाइजेशन से स्विच करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए जो बोला जा रहा है, उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है, जो अभी लिस्ट जो आई हुई है डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट्स ऑफर लेटर वाली, उसके बारे में भी डीप में देखेंगे। और थर्ड डाउट ये देखेंगे गेट का एग्जाम जो 24 का हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ डिफरेंट कोचिंग्स बता रही है, मैंने भी एक ओवरव्यू वहां से लिया है और पेपर भी मैंने देखा है, तो कितना जा सकता है, और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो बैक ऑफ द माइंड जो बार बार थॉट एक चलता है कि हाँ मार्क्स इतने आएंगे, अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, फैमिली लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, उस चीज को टैकल कैसे करना है। ओनली सिंगल पेपर ऑफ एग्जाम आपके फ्यूचर को या आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, तो इन चीजों को थॉरली हम लोग वन बाई वन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी या डिस्क्रिपेंसी जो डॉक्यूमेंट्स पे थी, उनके ऑफर लेटर विद हेल्ड थे, वो रिलीज हो चुके हैं, वो लास्ट मंडे को रिलीज हुए हैं, और उनको जो ज्वाइनिंग के लिए 1st ऑफ मार्च दिया गया है। 1st ऑफ मार्च में अगर देखा जाए तो अराउंड मान के चलो करीब उन्हें 15 डेज दिए गए हैं, और 15 डेज में जो मेरे पास कॉल करके बता रहे हैं ऑफर लेटर के, मैंने अभी कंडीशंस देखी नहीं, इस तरह से उन्हें बोला गया कि आपको अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी, डिस्क्रिपेंसी थी, विद होल्ड करके रखा हुआ था, और अब प्रॉब्लम आ गई तो उनसे बोला जा रहा है कि हाँ आपको कोई ऑफर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, इमीडिएट ज्वाइन करना है, करंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वहां उन्हें NOC देनी होगी, NTPC में जाएंगे तो रिलीविंग लेटर सबमिट करना होगा, उनका डाउट है जमा करें कि नहीं करें।
ठीक है, इसे क्या करना है, इस चीज को टैकल कैसे करना है। तो पहला तो ये आप लोग कंफर्म कर लो, जिनके भी विदहोल्ड थे ऑफर लेटर वो रिलीज हो गए। आप लोग अपने मेल आईडी पे चेक कर लें, 1 मार्च डेट दी गई है ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं, वहाँ 3 मंथ्स का या जो भी नोटिस पीरियड है आपको नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा मिलने के लिए, तो उसके टू डिफरेंट वे है। एक तो आप ऐसा कीजिए कि हाँ प्री मेडिकल करा लीजिए एनटीपीसी में। अगर आपको इस तरह का भी डाउट रहता है कि मैं यहाँ से रहने दे दूँ, वहाँ मेडिकल में कुछ कंसर्न हुआ एनटीपीसी में तो क्या होगा, मेरे दोनों जॉब से प्रॉब्लम आ जाएगी, प्री मेडिकल टेस्ट करा लीजिए एनटीपीसी से। ओके, और इस तरह मोस्ट ऑफ द केसेस में मेडिकल में कोई इशू नहीं आता। फिर प्री मेडिकल टेस्ट करा लीजिए और उसके बाद में अपना जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक इंटीमेशन काइंड ऑफ चीज दे दीजिएगा कि हाँ भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ, और जो भी उनका स्टिपुलेटेड टाइम है 3 मंथ्स 2 मंथ्स, आप मेंशन कर दिए बाय दिस डेट आई विल रिजाइन, और वो एक्सेप्ट करेंगे। उसकी एक रिसिप्ट आपको मिलेगी कि योर रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। और उस रेजिग्नेशन को लेके आप एनटीपीसी में जहां ज्वाइन करना है वहां कर सकते हैं, उस रिसिप्ट को दे दें और एफिडेविट ले लें कि हाँ रिलीविंग लेटर मुझे आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स जो भी है मैं सबमिट कर दूंगा। आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वर्क कर रहे हैं वो इतना आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है कि आपको इतनी तरह से हेल्प नहीं कर रहा, आपको रिलीज नहीं करना चाह रहा, तो आप कर सकते हैं हाँ ठीक है डायरेक्टली उसे छोड़ के एनटीपीसी ज्वाइन कर लें। वहाँ इसके इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस तरह के अगर कोई जॉब है जो आपको रिलीज ही नहीं कर रहा, एक महारत्न पीएससी को ज्वाइन करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा प्रिपरेशन आएगा। डायरेक्ट ज्वाइन कर ले और मेंशन नहीं करें कि आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग थे या नहीं थे, अनटिल अनलेस अगर आपके कुछ पीएफ या ईपीएफ या एनपीएस से रिलेटेड जो अमाउंट वहाँ डिडक्ट नहीं हुआ। काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इस तरह की कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आप प्रॉपर जो चैनल्स हैं उसके थ्रू ही जाके ज्वाइन करें। प्री मेडिकल से कैसे कराना है वो मैंने एक डिटेल वीडियो बना के इस चैनल पर डाला है, आप जो प्लेलिस्ट है उसे स्क्रॉल कीजिए, उसमें चेक कर लीजिए कैसे ज्वाइन करना है। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कोई इशू नहीं होगा इससे रिलेटेड ज्वाइनिंग के, मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स डाल रखे हैं। एंड सेकंड डाउट देखते हैं अब। जो आप लोगों का सेकंड डाउट है कि एनटीपीसी की एडिशनल लिस्ट, या जिसे मैं सेकंड लिस्ट बोल रहा हूँ, या एनटीपीसी रिलीज करता है विद द नेम ऑफ द एडिशनल लिस्ट, वो अभी तक क्यों नहीं आई है। जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि प्रोबेबली बाय द मिड और एंड ऑफ फेब आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड अपडेट अपडेट है वो मिल जाएगी, बट अभी तक ऐसा कुछ आई नहीं है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ लोग बात करने लगे हैं कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, एनटीपीसी को जितने लोग रिक्वायर्ड थे वो उन्होंने ले लिए हैं। कुछ लोगों ने कोशिश की है कहीं से नंबर अरेंज करके एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट सेल या कोई ऑफिसर से उनसे बात करने के लिए, उनका मानना है कि हाँ आनी होगी तो मार्च या अप्रैल में आएगी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, उनके ऑफर लेटर रिलीज किए गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी, उसके बाद में चीज़ों को समराइज किया जाएगा, अगर रिक्वायर होगा तो आएगी, नहीं रिक्वायर है तो नहीं आएगी, इसको लेके टेंशन है लोग कि आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो इसके बीइंग एन एनटीपीसी में कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं कर सकता, या नहीं बोल सकता कि आई एम कैरिंग एनी काइंड ऑफ इंटरनल इन्फॉर्मेशन। ये ऑब्वियस है, किसी के पास पता नहीं होगा वेदर यू आर द एम्प्लॉय ऑफ एनटीपीसी और नॉट, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बट हम कुछ कैलकुलेशन बेस्ड पे या साइंटिफिकली इस चीजों को देख सकते हैं अभी तक का जो ट्रेंड रहा है। तो देखो फर्स्ट थिंग ये देखो, जो फर्स्ट लिस्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड थे मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में और अदर ब्रांचेस में देखे, जैसे मैकेनिकल में 400 अराउंड थे, इलेक्ट्रिकल में अराउंड 300 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया था फर्स्ट लिस्ट में। ओके, अब रिटेंशन रेट जो मैंने बताया था अराउंड 40% रहता है। आप 2021 का देख लें, 22 का देख लें, 23 आ गई, बहुत ज्यादा बैरी नहीं करेगा, क्योंकि इस साल ऐसा कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ है कि हाँ भाई वैकेंसी ड्रास्टिकली चेंज कर दी या कुछ पे स्केल हाइक कर दिया, कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो लमसम देखा जाए ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। अब इसमें मान के चलो 50% लोगों ने ज्वाइन कर लिया हुआ, स्टील मैकेनिकल में 200, इलेक्ट्रिकल में 150 के आसपास सीट्स अभी भी वैकेंट होंगी। अब ये बात आती है ये लोग वैकेंट एक्चुअल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है इन्हें 150 और 200 ही चाहिए हो, इसके लिए इन्होंने ज्यादा भर लिया हो कि आधे बाद में छोड़ देंगे, तो इस तरह का तो इलॉजिकल चीज है कोई। अगर सभी ज्वाइन कर लेते तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उन्हें 150 रिक्वायर थे इसलिए उन्होंने 300 लोगों को लिया, दे ऑलरेडी न्यू दैट कि 150 छोड़ देंगे। और इसका कंफर्मेशन देखा जाए ऑफिशियली तो कुछ लोगों ने आरटीआई डाली है, आप लोग भी आरटीआई ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन हो जाता है, 15 डेज में उसका रेस्पॉन्स आ जाता है प्रॉबेबली कि ड्यूरिंग फर्स्ट लिस्ट जो एनटीपीसी ने ईटी 2023 से ज्वाइन की थी उस टाइम पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, मेरे पास एक दो लोगों ने फोटो भेजे थे उसके आरटीआई के, 400 मैकेनिकल थी, इलेक्ट्रिकल की 300 थी, तो इट मीन्स वैकेंसी है वो, उसमें 50% फिल्ड हुई है, रिमेनिंग 50% अभी भी अवेलेबल वैकेंसी है।
वो फिल तो करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि हाँ वो कैरी फॉरवर्ड कर दे नेक्स्ट ईयर के लिए, जो बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं उस तरह से कर ले। तो इस चीज का ट्रेंड देखो, 21 में ऐसा नहीं किया था, 22 में ऐसा नहीं किया था, तो 23 में ऐसा करने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है कि इस बार भी करेंगे। तो ये कंफर्म है सेकंड लिस्ट आएगी। बट देखो, आपको जो बताया जा रहा है या मैंने जो रिकॉर्डिंग सुनी थी, किसी ने भेजी थी, वो मैं भी डाल दे रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लो एक बार। उसमें क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने सिंपल ये बोला है कि हाँ भाई लिस्ट आनी होगी तो मार्च अप्रैल तक आएगी, जब एडिशनल जो डिस्क्रिपेंसी वाले ऑफर लेटर रिलीज हुए हैं इनकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है, होंगी उसी केस में देंगे, हम वैकेंसी नहीं होंगी तो नहीं देंगे। तो इसमें क्या सरप्राइजिंग उन्होंने ऐसा बता दिया, ये कोई भी बता सकता है कॉमन बंदा, कि अभी वैकेंसी अवेलेबल है तो हाँ फिल करेंगे एडिशनल लिस्ट, अगर नहीं अवेलेबल है तो नहीं करेंगे। और मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, दिस इज क्वाइट कॉन्फिडेंशियल चीज है, आपको कोई भी नहीं बता सकता कि सेकंड लिस्ट आ रही है, कब तक आ रही है और क्यों आएगी। ये ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स या प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड रहे उसी पे बता सकते हैं। अब बात रहती है कि प्रीवियस ईयर तो बहुत जल्दी आ गई थी, विद इन मंथ आ गई थी, विद इन 2 मंथ आ गई थी, ये चीजें रहती हैं। तो ये देखो, ये मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, उनके किस तरह से उस टाइम पे वर्क इन प्रोग्रेस था, उन्होंने किस तरह से चीजों को कैलकुलेट कर लिया था, इस बार लेट किया है। अगर ट्रेंड देखा जाए 21 में तो सेकंड लिस्ट जल्दी आई, थर्ड लिस्ट थोड़ा लेट आई, फोर्थ लिस्ट और लेट आई, फिफ्थ लिस्ट के कंबाइन कर दिया फोर्थ लिस्ट के साथ, वो बहुत जल्दी आ गई। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, इस तरह की चीजें होती है। जो मैं बता सकता हूँ, जो आपको मैंने लॉजिकल जो आंसर दिया है कि हाँ आप आरटीआई करके पता कर सकते हैं फर्स्ट लिस्ट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल थी, और ये भी पता कर सकते हैं आप, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट फर्स्ट लिस्ट वाला प्रोसेस, के कितने लोग ज्वाइन किए हैं और कितनी अवेलेबल वैकेंसी बची हुई है। लेकिन हाँ, वो सेकंड लिस्ट के बारे में अभी भी आपको आरटीआई में नहीं बताएंगे, तो आप ये लोग पता कर सकते हैं इस चीज को। अब ये बात रही कब तक आ जाएगी, तो मिड ऑफ मैंने फेब बताया था, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। तो अब जितना डिले हो रहा है उनकी मैनेजमेंट की तरफ से, वो तो अनप्रेसिडेंटेड डिले, उसके बारे में कुछ कमेंट क्या कर सकते हैं, बट हाँ कह सकते हैं जल्दी ही वो लोग रिलीज करेंगे, प्रॉबेबली एंड ऑफ फेब, जो मैंने बताया था। ठीक है, फेब में नहीं कही तो मार्च के मंथ में कर सकते हैं, बट हाँ कभी भी उन्हें करना चाहिए, चीजें कंक्लूड हो गई हैं, कोई ना कोई जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एनटीपीसी अपने सर्कुलर के थ्रू रिलीज करेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपके पास क्या ऑफिशियली कोई न्यूज है कि सेकंड लिस्ट आनी ही आनी है। तो देखो, ऑफिशियली न्यूज ऑब्वियसली किसी के पास नहीं होता, मैंने बताया कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, कोई कैसे बता सकता है, बींग एनटीपीसी पर्सन और नॉट बींग एनटीपीसी पर्सन, कोई भी नहीं बता सकता। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रेंड बता सकते हैं आप लोग, लॉजिकली ये चीज सोच सकते हैं, और इसके एविडेंस के लिए आप आरटीआई फाइल करके, या लोगों ने फाइल की है, मैं कहूंगा जिन लोगों के पास है वो कमेंट सेक्शन में डाल दें उस चीज को, कि हाँ मैकेनिकल में 400 वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल में 300 थी ड्यूरिंग द फर्स्ट लिस्ट, जो लोगों ने आरटीआई फाइल करके पता किया था। बाकी रिकॉर्डिंग में डाल ही रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग एक बार सुन लें, कि कितना उन्होंने केजुअल आंसर दिया है कि हाँ वैकेंसी होगी तो आएगी, सेकेंड नहीं होगी तो आएगी। तो इस हेलो, हाँ बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी गेट का रिजल्ट पहले बोल रहे थे सर कि मतलब सर जिनका डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है उनके साथ सेकंड लिस्ट आएगा, हाँ, तो वो चला गया लिस्ट, इनको जो इशू था चला गया, मिल गया उनको ऑफर। सर उन्हीं के साथ सेकंड लिस्ट भी आना था कौन सा ऐसा, सेकंड लिस्ट और सर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का कौन सा सेकंड लिस्ट के बाद बोल रहे हो? सर गेट के थ्रू जो होता है एडिशनल लिस्ट की बात बोल रहे हो क्या? एडिशनल लिस्ट यस सर। नहीं नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है ऐसा कुछ, अभी है नहीं, अगर होना भी होगा तो मार्च अप्रैल के बाद ही होगा कुछ उसमें, ठीक है ना? एक्चुअली सर क्या है, हो जाएगी उसके बाद कुछ होगा। एक्चुअली क्या सर क्या है, 1 साल हो गया गेट को, ऊपर से गेट 24 भी कंक्लूड हो चुका है, तो अरे यार तो रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट रहेगा तभी निकलेगा ना लिस्ट, कैसे ही मतलब भर्ती करना है ऐसे ही कुछ भी भर्ती कर लेना है ऐसा नहीं? नहीं सर ऐसा नहीं, फिर कंपनी को लगेगा कि हाँ और लेना है, उस वक्त वो लिस्ट निकलेगी, अगर नहीं लेना होगा तो नहीं निकलेगी। मैं ये बोल रहा हूँ ना तुमको, तुम्हारे बोलने या फोन करने थोड़ी होता है ये सब चीज, ठीक है? अगर रिक्वायरमेंट होगा तो लिस्ट आएगी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर रिक्वायरमेंट ऐसा होगा तो मार्च के बाद लिस्ट आएगी, सर जो नहीं होगा तो नहीं आएगी। अभी जो डीबी प्रॉब्लम वालों का ज्वाइनिंग है उनके बाद कंक्लूजन लेंगे अगर जरूरत होगी तो। हाँ, अगर कुछ होना होगा वही इसमें से मैं बोल रहा हूँ ना, अगर कुछ होना होगा तो मान के चलो मार्च अप्रैल के बाद ही होगा, अभी नहीं होगा, अभी तो ज्वाइनिंग होगी, प्रोसेस चल ही रहा है, ठीक है? ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। चीज को लेकर आप लोग टेंशन फ्री रहे, आएगी, मेरा एक्सपेक्टेशन था टिल द एंड ऑफ फेब आनी चाहिए,
बट हाँ एग्जैक्ट डेट बताना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा आगे पीछे करके डेफिनेटली सेकेंड लिस्ट आनी चाहिए। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है कि इस बार सेकेंड लिस्ट रिलीज नहीं करेगी एनटीपीसी, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि इस तरह से कोई चीज है। ओके तो इस चीज को लेके आप लोग श्योर रहे, और इसके बावजूद भी आपको किस तरह की स्ट्रेस टेंशन या कोई काउंसलिंग की जरूरत है, कोई बात करना है, कुछ डिस्कस करना है, तो माई चैनल इज ऑलवेज अवेलेबल। ओके यू कैन राइट मी ओवर द मेल, यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, यू कैन राइट द थिंग इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं दैट यू कैन शेयर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि कमेंट सेक्शन में उस तरह की प्रॉब्लम्स अदर्स की होगी वो भी मेंशन करेंगे, तो एक अच्छी हेल्प मिलेगी आपको डिस्कस करने के लिए। अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल टू शेयर इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, देन यू कैन डायरेक्टली सेंड टू मी ओवर ईमेल और व्हाट्सएप। ओके अब अगला ले लेते हैं, थर्ड डाउट जो आपका है। तो थर्ड वाला जो आप लोगों का वर्निंग डाउट है वो ये देखते हैं कि गेट का जो 24 में एग्जाम दिया है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने दिया है जिन्होंने 23 में एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया था, उनके डाउट्स हैं कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, और अब जो फोर्थ कमिंग एग्जाम है या इजी लैंग्वेज में बोल अपकमिंग एग्जाम से उनमें मन भी नहीं लग रहा है, एग्जाम अच्छा नहीं होता तो मोस्ट ऑफ द हमारा जो ध्यान होता है या हमारा ब्रेन जो होता है वो कहीं ना कहीं वहीं चलती रहती हैं चीजें कि मार्क्स कैसे आएंगे, रैंक कैसी आएगी, कट ऑफ कैसे जाएगा। तो देखो 24 का पेपर मैंने देखा है खुद से, और बहुत सारे चैनल जो डिस्कशन कराते हैं उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन जो रहता है, जैसे कि मैं रिकमेंड करूंगा इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली अंकित गोयल सर है, माई एग्जाम नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने पूरे पेपर को थॉरली डिस्कस किया है। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था मैंने उनसे कोचिंग ली थी, और मैं पर्सनली भी जानता हूँ उनके मोस्ट ऑफ द मोस्ट नहीं बोलेंगे, उनका सॉल्यूशन मुझे लग रहा है जितने भी मार्केट्स में अवेलेबल है वो सबसे एक्यूरेट सॉल्यूशन रहता है, प्रेडिक्शन वो बेस्ट रहता है, तो उनसे आप एक बार मैच कर सकते हैं उनके सॉल्यूशन से। और रिव्यू लेके मैंने भी पेपर देखा तो जैसा अंकित सर ने भी और लोगों ने भी बताया है, और मेरा भी मानना है कि हाँ जो टॉपर है वो अराउंड 80-85 के आसपास ही जाएगा। अराउंड देखा जाए तो गेट 2022 टाइप का पेपर था, 23 थोड़ा डिफिकल्ट था लास्ट ईयर, बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, एंड कट ऑफ लमसम कहीं जनरल कैटेगरी में देखा जाए 25 से 30 के बीच में रहने वाला है, और जो रैंक प्रेडिक्शन है वो ऑलमोस्ट 22 ही जैसा रहेगा। और इनकेस आपका अगर एग्जाम सही भी नहीं हुआ है, जैसे क्या होता है हम एग्जाम देके आए कहीं कहीं बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक इन द सेंस ऑफ कहीं रूट नहीं ले पाए, कहीं माइनस उसका मॉड नहीं ले पाए, माइनस में लिख दिया, कहीं प्लस में लिख दिया, राउंड अप नहीं कर पाए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो वो हमारे उससे बाहर निकल गए रैंक से, उन्हें चैलेंज करना, इस तरह की स्ट्रेस रहती है। मैंने भी पर्सनली ये फील किया है बैक ऑफ द माइंड वो चीजें चलती रहती हैं कि ये क्वेश्चन सही होगा, किसी कोचिंग ने उसका कोई ए आंसर दिया है, किसी ने बी दिया है, उन चीजों को लेके भी कुछ डाउट्स आएंगे, तो इन चीजों को ये कॉमन चीज है, ये हर किसी के साथ होता है विद टॉपर, और जो लास्ट में उसका सबसे कम मार्क्स आएंगे उसके साथ भी होगा, सबसे टॉपर जो होगा उसके साथ भी होगा, तो दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग है, इस चीज को आप एज ए स्ट्रेस एंजाइटी कंसिडर मत करो, ये हर किसी के साथ होता है। बेहतर है एग्जाम के लिए आपने अच्छा सा प्रिपरेशन किया होगा, लॉन्ग आवर्स आप लोग पढ़े होंगे, तो जैसा भी एग्जाम हुआ आप थोड़ा सा लोगों से मिलें, फ्रेंड्स जो उनके साथ कहीं बाहर जाएं, जिस चीज में भी आपको इंटरेस्ट है, जो चीज करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, और धीरे धीरे चीजें देखेंगे डेज के साथ में, आप लोग इस चीज को कॉपअप करने में कैपेबल होंगे, अपनी जो स्ट्रेस है वो इजिली से रिलीज कर पाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं कभी बताऊंगा तो अपना पूरा डिस्कस करूंगा। मैंने अराउंड 8 बार गेट का एग्जाम लिखा था, फर्स्ट टाइम मैंने 2015 में दिया था, उस टाइम मेरी 6000 रैंक समथिंग आई थी, और आईआईटी कानपुर में कंडक्ट कराया था। उसके बाद 16 में मैंने लिखा था, 2000 रैंक समथिंग आई थी, मैंने आईआईटी भुवनेश्वर से पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में एमटेक किया उसी गेट बेसिस पे। 17 में लिखा मैंने, 18 में लिखा अराउंड 1700 1800 रैंक, जिस तरह से मेरी रैंक आई, और क्योंकि मैं एमटेक परस्यू कर रहा था उसके साथ, फिर मैंने जो रेल विकास निगम लिमिटेड था वो ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद एनआईटी इलाहाबाद में मैंने टीचिंग की थी, और गेट एग्जाम में पहले ही लिख रहा था। फिर तो मैंने 19 में दिया था जब मेरे 72 मार्क्स आए थे, वन ऑफ द इजिएस्ट पेपर बना था, तो मैं चेक कर रहा था बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे गेट प्रेडिक्टर कैलकुलेटर होते हैं उन पे, तो कोई 100 रैंक 200 दिखा रहा था, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे थे, मेरी रैंक अराउंड मुझे लग रहा है करीब 2200 के आसपास आई थी, 72 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल का इजिएस्ट पेपर था उसका, 20 का लिखा, और उसके साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था तो प्रिपरेशन भी कर रहा था। 21 में मेरी 1100 रैंक आई थी, उस बेसिस पे मैं एनटीपीसी में सेलेक्ट हो गया था। फिर 22 में लिया था, मेरी 800 रैंक कुछ आई थी,
और उसके साथ नॉट ओनली इन गेट, उसके साथ मैंने यूपीपीएससी देखा जाए तो इसमें पॉलिटेक्निक लेक्चरर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने ऑफर को विद होल्ड करा था अराउंड ए ईयर कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, एनटीपीसी ज्वाइन करूँ या बहुत चीज़ों को कंपेयर करा। फाइनली मैंने उसे जाने दिया ऑफर को। मेरा बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एज मैंने पीजी किया है तो उसके लिए हुआ था, यूपीपीसीएल के लिए हुआ था, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो टू मैनी एग्जाम्स आई क्रैक। तो क्या व्हाट आई मीन टू से कि हाँ ठीक है, आपके मार्क्स अभी अच्छे नहीं आ रहे, आपको उस ऐसा फील हो रहा है पीएससी नहीं मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो पोटेंशियल है और जो आपने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी आज नहीं तो कल। अपने आपको बैलेंस बना के रखें और धीरे धीरे देखते जाएं मार्क्स, गेट का रिजल्ट कैसे आता है, जो फोर्थ कमिंग एग्जाम्स है उनके लिए अपने एफर्ट्स डालते रहें। और एक फेज होता है थोड़ा डाउन फील होता है, पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो, और धीरे धीरे चीजें उसी फेज से निकलते हुए अच्छे की तरफ जाती है। एक एक जर्नी है, उसके थ्रू ही आपको जाना होगा। और इसके बावजूद भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं दैट डिफिकल्ट टू टैकल हो रहा है, तो डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर माई ईमेल, व्हाट्सअप, या कुछ ऐसा इमरजेंसी है कि हाँ आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा कुछ का, बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल कुछ है, तो आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। बट कोशिश करें मुझे मैसेज या व्हाट्सअप ही करें, क्योंकि डिफिकल्ट होता है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, टाइम निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत अर्जेंट कुछ है, तो आप कॉल कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू टू हेल्प यू, क्योंकि मैंने ये चीजें फील की हैं। उस टाइम पे मेरे लिए इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं, इस तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, या बोलते तो एक अनकंडीशनल चीज है, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न कि हाँ मुझे फी पे करो या कुछ करो। जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो मस्त चिलपिल रहे, फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, गेट का एग्जाम जैसा भी हुआ हो आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं और आपने जो भी मेहनत की है वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपके काम आएगी। अरे तो इस चीज को लेके एकदम अनिश्चित निश्चित रहे आप लोग, कोई इसी को कंसर्न होने वाला नहीं। अब देख लेते हैं जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे उनका डिस्कशन देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा चैनल है पॉलीमैथिशियन। अगर आपने अभी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं इस तरह के इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्विच करने की सोच रहे हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें एक बेनिफिट मिल सकता है, गाइडेंस, इस तरह की काउंसलिंग जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो मिल सकती है, और इन डेप्थ पीएसयू के बारे में और भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं चैनल। ओके, तो डाउट डिस्कस करते हैं। पहला डाउट है, 2 आवर्स पहले किसी ने किया है, मैकेनिक 970093 लिखा है, आर यू इन एनटीपीसी? तो जी मैं एनटीपीसी में हूँ और एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी वर्क कर रहा हूँ, 2021 बैच के थ्रू मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद किसी का कमेंट है, प्लीज शेयर अबाउट E3 सैलरी। तो सैलरी स्ट्रक्चर में डालता रहता हूँ, जैसे मैंने ट्रेनिंग का डाला था E1 E2, इस तरह की चीजें डाली थी, तो एक बार आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसमें पड़ी हुई है। अबाउट E3 रहा तो ठीक है, कंसिडर करके इस चीज को देखेंगे, डाल देंगे, क्योंकि ऐसा जिसका कोई अर्जेंसी नहीं है अभी, तो देखेंगे आप चैनल पर धीरे धीरे सैलरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करते रहेंगे। सर, देर आर न्यूज अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, इज इट पॉसिबल दैट एनटीपीसी विल बी प्राइवेटाइज इन फ्यूचर, लाइक आफ्टर 10 और 20 और 25 ईयर्स? देखो, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इनका ऐसा कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। दिस डिपेंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, वो किस तरह से पीएसयू को देख रहे हैं, तो प्राइवेट होना है कि नहीं होना है। बट एज सच अभी मान के चलो एनटीपीसी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अराउंड 25% शेयर और जो पावर का है ऑल अक्रॉस इंडिया वो एनटीपीसी ही जनरेट करती है, तो एक मेगा कंपनी है पावर सेक्टर में देखा जाए, तो इस तरह की चीज नहीं लग रहा कि हाँ ये कभी प्राइवेटाइज होगी, तो इससे आप बेफिक्र रहो। सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं, आपने एचआर वगैरह से कंफर्म किया है या लास्ट ईयर के ट्रेंड से बता रहे हो? तो रमेश जी, मैंने पहले ही बताया था, रमेश मीना का है, ये कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, इस पे बीइंग एन एनटीपीसी एम्प्लॉय और नॉट एन एनटीपीसी एम्प्लॉय ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती है कि आपने मतलब इंटरनल न्यूज है कि आएगी कि नहीं आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स ही मैं बता रहा हूँ, बाकी के इस बार जो वैकेंसीज निकली थी लोगों ने आरटीआई करी उसी ट्रेंड पर मैं बता रहा हूँ। एनटीपीसी ईईटी का सेकंड लिस्ट कब आएगा? तो मिड और एंड ऑफ फेब मैंने बताया था, अभी देखा जाए रिसेंटली जिनके ऑफर लेटर विदहोल्ड टी डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो रिलीज हुए हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जल्दी टिल द एंड ऑफ फेब और हो सकता है मार्च में ये लोग रिलीज कर देंगे सेकंड लिस्ट। आना कंफर्म इसलिए है जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग फर्स्ट लिस्ट जो वैकेंसी थी मैकेनिकल में अराउंड 400, इलेक्ट्रिकल में अराउंड 300 थी, जो कि आरटीआई के रिप्लाई में एनटीपीसी ने बताया। आप लोग देख सकते हैं, आरटीआई फाइल करके पता कर सकते हैं इस चीजों को।
मैम गेट रैंक 578 ओबीसी कैटेगरी इन सिविल एनी चांस इन एनटीपीसी थर्ड लिस्ट और सीआईएल थर्ड और फोर्थ लिस्ट। देखो 578 अगर सिविल में ओबीसी में है तो एनटीपीसी में एक्चुअली अगर देखा जाए थर्ड और फोर्थ लिस्ट कहना डिफिकल्ट है बहुत, क्योंकि लास्ट ईयर थर्ड लिस्ट में बहुत कम लोगों को सेलेक्ट किया गया था। बट हाँ जो भी और इसे आप सीआईएल के बारे में पूछ रहे हैं तो उसकी मैंने कट ऑफ लिस्ट डाली, आप एक बार उसे चेक कर लीजिए। और जो भी फोर्थ कमिंग एग्जाम्स है उनका प्रिपरेशन करते रहिए, होपिंग सो कि आपको कोई पीएससी इस रैंक पे मिल जाए। सर एनटीपीसी का सेकंड लिस्ट कब तक आएगा? तो देखिए अब सिख जी प्रोबेबली मिड और एंड फेब तक एक्सपेक्टेड डेट, मुझे 3 मंथ्स अराउंड लगते हैं जितना मैंने देखा है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लिस्ट आएगी। आप एक्सपेक्ट करते हैं एंड ऑफ फेब और पॉसिबली थोड़ा आगे होगा, जो अनप्रेसिडेंटेड डिले कर रहा है एनटीपीसी, मे बी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ कर रहा है तो जल्दी ही रिलीज करेंगे। इज इट पॉसिबल दैट एनटीपीसी विल नॉट रीच सेकंड लिस्ट स्टेटिंग दैट ओनली 580 आर रिक्वायर्ड व्हिच इज फिल्ड इन फर्स्ट लिस्ट सो देयर विल नॉट बी एनी मोर लिस्ट ऑल्दो 41 सीट इन एमई आर डिक्लेयर्ड इन आरटीआर। हां दैट सुमित्रा बुरमन ने जो पूछा है कि हाँ जैसे बताया मैंने 418 सीट्स हैं मैकेनिकल में, ऑलमोस्ट 50% ही फिल हुई हैं, तो बहुत इलॉजिकल चीज है कि हाँ वो निकालेगा ही नहीं, फिल नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि 418 सीट्स थी उन्होंने आधी भर के छोड़ दी, बैकलॉग में नेक्स्ट ईयर लेंगे, ऐसा अगर देखा है 21-22 में नहीं होता, तो वेरी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, निकालेगा। हाँ लिस्ट डिले हो रही है आप लोगों को इससे, इसलिए इतने ज्यादा डाउट्स हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट आई थी तो आप लोगों के डाउट थे सर वैकेंसी तो बहुत कम है, 2 टाइम्स लोगों को दिया गया है, सबको ऑफर लेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फाइनली एज आई टोल्ड यू ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हाँ सबको मिलेगा और वही ट्रू हुआ। तो आप थोड़ा सा जो सिस्टम है उसको देखिए लॉजिकली, तो प्रोबेबली लिस्ट निकालेंगे जल्दी। आरटीआई जिसने किया था वो लोग आपस में शेयर कर लेना किसने आरटीआई फाइल किया था, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट आया था। Who is stated bro that only 580 are required? तो ये hypothetical चीज है, ऐसा कुछ है नहीं। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया है टोटल 1000 ईयर वीसी स्टूडेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम बट और मोदी जी को डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है इन्होंने शायद ये अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोरिची पोर्टर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। ओके आपको कुछ डाउट्स हो तो आई गेस ऊपर रिप्लाई किया हुआ है तो आप हिंदी और इंग्लिश में मैंशन कर सकते हैं। और देखते हैं आगे, आर सीट्स इंक्रीज एनटीपीसी इफ यस हाउ मेनी टोटल वैकेंसी इन ईसीई। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, सीट्स इंक्रीज हुए हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो डाला आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो इससे रिलेटेड मिल जाएगा, बिफोर द एडवर्टाइज और आफ्टर द एडवर्टाइज जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी है। सर वाई द रेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ न्यू ज्वाइनी हैज इंक्रीज एनटीपीसी आफ्टर 2019-2020 वर्क प्रेशर ज्यादा है या लीव होते हुए भी लीव्स अवेल नहीं कर दिए जाते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस एंड व्हाट्स द सिनेरियो ऑफ टेकिंग लीव्स इन एनटीपीसी, इजीली मिल जाता है या प्रॉब्लम है? देखो लीव्स जितनी भी मिलती हैं मैंने मेंशन करा एक अलग से वीडियो, जैसे सीआईएल होगी सॉरी आपकी कैजुअल लीव्स होगी, सीएल होगी, एसएल होगी आपकी, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हो गए आपके और ईएल्स होगी, तो लीव्स में इतना प्रॉब्लम्स नहीं आती है, आप ले सकते हैं क्योंकि शिफ्ट में अच्छे खासे लोग होते हैं, इतना भी मैन पावर कम नहीं है कि आपको लीव्स नहीं मिलेंगी। बाकी रेजिग्नेशन ज्यादा इंक्रीज क्यों हुआ है आफ्टर 2019, तो उसका प्रोबेबली वही है कि हाँ उन्होंने ग्रेड पे को थोड़ा डिक्रीज किया था, E2 करा फिर E1 फिर रेजिग्नेशन और बढ़े तो फर्दर से E2 कर दिया, तो पॉसिबली मे दैट मे बी द रीजन। सो बाय द रेट ऑफ रेजिग्नेशन तो आई हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन। ओके सर आप एनटीपीसी वाले शॉर्ट डेली अपलोड किया करो, देख के मोटिवेशन मिलता है, तो ये अशोक जी ने लिखा है, ठीक है अशोक जी मैं कहता रहता हूँ जो भी लगता है कि हाँ जो चैनल पर डालने लायक कंटेंट्स है तो मैं अपडेट अपलोड करता था, मे बी दे आर वेटिंग फॉर सीआईएल, ऐसा कुछ नहीं होता, इंडिपेंडेंट पीएसयू जो दे आर नॉट वेटिंग फॉर सीआईएल। मैम द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेकंड लिस्ट 83 गेट 2023 इज इट गिवन बाय एचआर मैडम, इज सेकंड लिस्ट गेट कंफर्म ही, दिस इज न्यूज इन सर्कुलेटिंग मैडम, देयर इज नो सेकंड लिस्ट, प्लीज कंफर्म इट मैडम लाइक मी हैव दिस डाउट। ओके तो देखिए एचआर से या ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सेकंड लिस्ट आएगी, बट मैंने जैसे बताया आरटीआई फाइल की थी तो अराउंड 400 बताया जो सीट्स है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में 300, अराउंड 50% ही फिल्ड है, तो रिमेनिंग सीट्स हैं वो डेफिनेटली सेकंड लिस्ट के ही थ्रू फिल होंगे। और मैम एनटीपीसी एफटी का रिजल्ट कब तक आएगा एंड क्या इस इज फेयर सिलेक्शन होगा? देखिए आप जो फिक्स टर्म वाले एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं जो एनटीपीसी ने रिसेंटली वैकेंसी निकाली थी, तो मैं देख लेता हूँ उसका क्या है,
अभी तक इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, रिजल्ट कब तक आएगा, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो मैं अपलोड करूँ। करेंटली रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन, सो आफ्टर दैट दिस मंथ यू कैन एक्सपेक्ट। तो ऑलरेडी हमारी टीम ने ये रिप्लाई किया, तो आप लोग देख सकते हैं। टू मेनी डाउट्स आर ऑल्सो देयर, तो ठीक है, जो भी वर्निंग डाउट्स थे आप लोगों के वो मैंने डिस्कस कर लिए। इवन आफ्टर आंसरिंग ऑल दीज थिंग्स, स्टिल आपका कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी थी, छूट गई हैं, मैंने कवर नहीं की है, तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल रिप्लाई इन द नेक्स्ट वीडियो। और किसी चीज को लेकर स्ट्रेस एंजाइटी नहीं रखनी है, अगर जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, टैक्टिक्स बताई हैं, उसके थ्रू सबसे ओवरकम होके लाइफ में ग्रो करते जाना है, मूव ऑन करते जाना है। मॉर्निंग इवनिंग जो भी आप एक्सरसाइज होगा, जो भी चीज करते हैं वो कीजिए, अपने फ्रेंड से टच में रहिएगा। और स्टिल कुछ ऐसी डिफिकल्ट होती है कि यू आर नॉट एबल टू टैकल प्रॉपरली, तो हाँ, यू कैन डायरेक्टली राइट मी इन माय ईमेल आईडी और व्हाट्सएप। ओके, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वे दैट आई कैन पॉसिबली। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।